वापस आ चुके हैं। पहले तो थोड़ी सी बातें आपको बता दूं, फिर उसके बाद हमारे जो मेहमान हैं उनसे मैं मुलाकात भी कराऊंगी। मगर पहली बात जो मैं बताना चाह रही हूँ, ये नानी का कैरेक्टर जो मुझे सुबह सुबह अपने ऊपर पोर्ट्रे करना पड़ा, जो आधा आधा आप मुझे कहीं फीमेल वर्जन गांधी जी को भी इमेजिन कर रहे होंगे, क्योंकि गांधी जी भी कुछ इसी तरह के लुक के थे, मगर माशाल्लाह से मैं ज़रा फीमेल वर्जन थी। तो ये इसलिए मैंने लुक लिया कि आपको याद होगा जब बाहर का मौसम आता था तो हर घर में जब नानी जी के पकवान की बारी आती थी तो उनके घर में छुट्टियों पे जाया जाता था, उनके घर में जो है जाके हम पकवान खाते थे, उनके घर में इंजॉय करते थे, छुट्टियां गुजारते थे। नानी जी जो होती थी हमारे लिए कपड़े खरीदती थी, रंग खरीदती थी, हमें घुमाती थी, फिराती थी, खिलाती थी, हमसे बातें करती थी, लड्डू पीठियाँ बनाती थी, अपने हाथ की जलेबियाँ असली घी की बनाती थी। ये सारी बाहर की जो चीज़ें ये हमें नानी के घर से ही मिली हैं, ये सारी यादें हमें नानी के घर से मिली हैं। तो बेसिक परवरिश जो है, वो जो छुट्टियों के एक बीच में जो होती है, जो फ़न वाली होती है, वो नानी का उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है, जिसे हम बड़ी अम्मी भी कहते हैं हमारी, क्योंकि अम्मी की अम्मी होती हैं वो बड़ी अम्मी होती हैं। तो सारी हमें नानी के घर से याद आती हैं, इकट्ठे होते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ते होते हैं, खाने होते हैं, पकवान सबसे ज़्यादा जो है आप नानी के घर के इंजॉय करते हैं, क्योंकि दादी के घर पर तो आप रह ही रहे होते हैं हर वक्त, आपको पता नहीं चलता, मगर नानी के घर जब जाते हैं तब कोई सारी यादें जो हैं आपकी ये ताज़ा हो जाती हैं। और अब ये दौर आ गया है कि अब वो दौर नहीं रहा जिस तरह से हम छुट्टियों पे जाते थे, हम अपनी वेकेशंस नानियों के घर गुजारते थे। अब जो दौर आ गया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो नानियाँ घर में अकेली बैठी रहती हैं, बच्चों के पास टाइम नहीं है नानियों को टाइम देने के लिए, वो नानियाँ बीमार हो गई हैं, उनको पूछने के लिए बच्चों के पास टाइम नहीं है। हमको सिर्फ ये सिखा दिया गया है कि सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, और नानी को करके कमरे में निकल जाओ, मगर हमने ऐसी कोई चीज़ें नहीं इंजॉय कर रहे। अब इस दौर के जो बच्चे हैं वो इस तरह की कोई चीज़ इंजॉय नहीं कर रहे जो हमने इंजॉय किए, नानियों के हाथ के पकवान, उनकी बातें, उनकी नसीहतें। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सबसे कि प्लीज़ अपनी अपनी नानियों का ख्याल रखें, अपनी अपनी नानियों को देखें, यही वक्त है, वो आपके लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं, क्योंकि उनके लिए नवासे नवासियाँ बहुत बड़ी चीज़ होती हैं। तो आपने टाइम देना है उनको बहुत ज़्यादा, ऐसे अकेले नहीं छोड़ देना। जो त्यौहार हमारा है वो ख़ास उनसे आपने सीखना ज़रूर है। तो वक्त हुआ चाहता है कि हम ये वाली बातें हमारे मेहमान से भी करें, क्योंकि हमारे मेहमान आ चुके हैं, हमारे सेट पे बैठे हैं, तो तारुफ भी करवाऊंगी, साथ साथ आप सेट भी ज़रा देख चुके हैं कि आज हम लड्डू पीठियाँ जो हैं वो बना रहे हैं और साथ साथ जलेबियाँ भी बना रहे हैं। तो प्लेट पड़ी है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप बताएं, ठीक ठाक है? जबरदस्त पकौड़े, मीठे हैं पेजू भाई, पकौड़े। इसको लड्डू पीठियाँ भी कहते हैं क्या? इसको नहीं बोलते लड्डू पीठे, वो और तरह के होते हैं। ये मीठे लड्डू है, गरम जलेबी है, ये जो भी खाएगा उसको नानी याद आ जाएगी। नानी याद आ जाएगी, नानी का जिक्र हो रहा है, नानी आ रहा है, ये तो सही हो गया। पेजू भाई थोड़ी सी प्लेट में दे दे, मेहमान को इंट्रोड्यूस करवाऊँ तो पहले ये मीठे मीठे पकौड़े, ये मैं गरम दे रही हूँ ना जी। देसी घी क्या खाया तुम, जान बनाओ। ओ, ओ, ये लगता है डिस्प्ले हुए, ये और दो ठहरो, आए गरम गरम जलेबी भी है, जलेबी डालू, जलेबी भी लीजिए, क्या बात है, बहुत लुत्फ आएगा। असली देसी घी का कभी बनता था इस दुकान पे, अब तो बनता है, बड़ा अच्छा है, टेस्टी है, जबरदस्त है। आप खुद भी खाइए। मैं भी खा लूं। आप भी खाइए। मैं भी। शुक्रिया, शुक्रिया बोलो। हाँ। मेहमानों को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नाइमा जी, क्या हाल है? थैंक यू। पहले तो सुबह सुबह जो है आपकी बेटी को भी जरा मुंह मीठा करवाऊं। हे जी राशिदा, ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है? हाय जी डिजाइनर साहब, क्या हाल है? रजा शाह है, गुड लुकिंग कितने हो तुम माशाल्लाह से, वाकई में मुझे नहीं पता था रजा को इतना गुड लुकिंग लड़का भी है, सीरियसली बहुत प्यारे हो माशाल्लाह। नानी के ऊपर बात हो रही है जी, नानियों के ऊपर, क्योंकि हम लोगों को जो बाहरें इंजॉय किए हैं वो हमारी नानियों ने दिखाई हैं, वो त्यौहार हमें नानियों ने सिखाए, वो छुट्टियाँ, वो वेकेशन, उनके हाथ के पकवान, बिल्कुल हर मतलब मेरी एज तक तो ये हुआ है। अब मुझे इस एज का पूछना है कि इस एज में नानियाँ जो हैं वो क्या खिलाती हैं, क्या पिलाती हैं, या बच्चे टाइम देते हैं नानियों को, ज़रा बताएं आप। नाइमा जी, बहुत ये होता है आपके घर की परवरिश पे, आपके रहन सहन पे डिपेंड करता है। मेरी मम्मी मेरे पास, वो उनका एक्सीडेंट हो गया था, डिसेबल हो गई थी, 15 साल मेरे पास रहीं,
और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये क्रेडिट मेरे हस्बैंड राशिद को जाता है कि उन्होंने अपनी माँ समझ के उनको रखा, वरना कोई भी अफोर्ड नहीं करता कि वो करे। तो इन्होंने बहुत उनकी इज्जत की। मेरे पापा भी मेरे पास रहते थे, इनके पेरेंट्स अपने घर में रहते थे, लेकिन मैं क्योंकि मेडिकल से रिलेटेड थी तो मैं मम्मी की केयर करना चाहती थी, मम्मी को अपने पास ले आई। तो मेरी जब तक मेरी मम्मी ज़िंदा रहीं तो इस बेटी के और दोनों बेटियों के हाईएस्ट मार्क्स आते थे उर्दू में, क्योंकि मम्मी आलमा फाजला भी थी और वो सारा कुछ इनको बताती थी और उनका रेडियो से भी ताल्लुक़ था। अम्मी का? मम्मी का। तो इशफाक अहमद ख़ान मेरे मामू थे। अच्छा। तो वो तलकीन शाह करा करती थी, उनके साथ जोरा बीबी का करेक्टर बहुत हिट था। क्या बात है। तो वो उर्दू का ये पॉजेज और ये सब कुछ वो बताना मुझे भी, मतलब शायद उन्हीं से मैंने इनहेरिट किया। तो ये बहुत ज़्यादा प्यार करती थी मम्मी, और वो इस हाल में भी थी तो मम्मी मछली बहुत अच्छी बनाती थी। क्या बात। तो मैं अक्सर मम्मी को कहती थी मम्मी आप आ जाएं किचन में, सब चीज़ें तैयार हैं। मम्मी का ताल्लुक कहाँ से जो मछली बनाती थी? मम्मी तो पंजाबी थी, होशियारपुर जलंधर से, लेकिन मेरे पापा रामपुर के थे। अच्छा। तो वो मेरी दादी से उन्होंने सब कुछ सीखा था और इतने अच्छे अच्छे खाने बनाती थी पापा। खाबे हो और गुल्लू बादशाह ना हो, ये कैसे हो सकता है? मेंढा साईं, कितनी दूर से मैं चला हूं चक्कर में, आपने हमें बुलाया ही नहीं और महफिल सजा दी है। ओए गुल्लू, ओए आज हट के जाऊं। ओए गुल्लू, क्या हाल है तेरा? और कहां चली गई? खा खा के ये हाल हो गया। कहां बहारें कहां चली गई? सारी बहार यही है भाई, ये तो सब क्या अब जश्न बहारा और ये गुड़िया ये गुड्डे ये कहां से ले आई हैं आप? गुल्लू साहब, अरे सब छोड़ दे, ये खाए हैं पूरी हलवे ये वो चीज़, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ दो। गुल्लू नानी का वास्ता सब कुछ दो। गुल्लू बादशाह साहब कैसे हैं? मैं बेहतरीन हूँ, आप मेरी नानी हैं। अभी मैंने देखा आपको नानी बनी। मैं नानी याद कराती हूँ, नानी नहीं हूँ। मेरी नानी ऐसी थी, इतनी खूबसूरत नानी। आपकी खूबसूरती का राज पता चल गया, आपकी नानी खूबसूरत थी तो इसलिए आप खूबसूरत। वो नस्ल चलती है ना। हाँ। इन लोगों को ये बताएं कि नानी के अलावा माँ का भी उतना ही ख्याल रखें। क्या बात है। माँ का ख्याल भी रखें फिर नानी का रखें। मैं तो अपनी नानी को कंधे पे उठा के डॉक्टर के पास लेके जाता था सारी जिंदगी, जब तक वो जिंदा रही। इसी बात पे ये हो जाए। क्या ये क्या है? अंदरसा मीठा पकौड़ा। इस पकौड़े से क्या बनना है? इतना बड़ा पकौड़ा बनाओ भाई। किसको कह रहे? अभी हम आपको सुकून से बिठाएंगे। हाँ। आपने फिर जरा बड़े मजे मजे की हमसे बातें करनी है, मगर एक वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का। जरा ढोल के साथ आप एक बार जरा ब्रेक तो ब्रेक आ जाइए जी, जरा इनके पास गुल्लू बादशाह साहब के पास आइए और आप भी बच्चे आइए। और ये आपका कैमरा है इधर, आपने जरा खूबसूरती से ये छुटके बच्चे के साथ जो है ना मजे की ब्रेक लेनी। तीन ढोल, तीन ढोल, तीन का एक दौर। थप्पड़ मार देता हूँ तो मैं बता दूँ आप मेडा साईं बड़ी दूर से आओ। मेडा साईं भाई, भाई मेरा साथ ब्रेक करें, ब्रेक करते हैं तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।